जैसे कि आपने अभी कैमरा सैंपल्स में देख ही लिया, स्टॉक कैम और जी कैम के कैमरा सैंपल्स में बहुत ही फ़र्क होता है। लेकिन जब भी आप जी कैम को इंस्टॉल करते हैं, या तो उसमें कुछ कुछ फीचर्स नहीं चलते या फिर उसकी क्वालिटी ही बुरी होती है, इमेज क्वालिटी बुरी होती है। ये होता किस लिए है कि हर एक फ़ोन के लिए या फिर हर एक मॉडल के लिए सेपरेट जी कैम APKs बने हुए होते हैं। हमें सिर्फ इतना करना है, हमारे फ़ोन के रिक्वायर्ड कंडीशंस को चेक करके उसके लिए बना हुआ जी कैम हमें सिर्फ इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन इसे किस तरह करें, इसमें तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। नहीं, इस वीडियो में मैं आप सबको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसमें आप आसानी से अपने फ़ोन के लिए जी कैम APK इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तरीका होगा फ़ोन अल्फाबेट्स वाइज, जिसमें आप अपने फ़ोन के नाम से उसका रिक्वायर्ड जी कैम डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका होगा एंड्रॉयड वर्जन वाइज। और तीसरा तरीका, अगर ये 2 तरीके आपके फ़ोन में नहीं चलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन तीसरा तरीका भी उतना बुरा नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर। सबसे पहला तरीका है अल्फाबेट वाइज। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, जाकर ज़रूर से देखना। जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। A to Z ऑप्शन मिल रहा है, पढ़ते मत बैठ जाना। ये ब्रांड्स के इनिशियल्स हैं। तो अभी आपको जिस ब्रांड का भी आपको जी कैम इंस्टॉल, जिस ब्रांड के लिए भी आपको जी कैम इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे कि अभी मैं OnePlus का आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने OnePlus पर क्लिक किया तो OnePlus सीरीज के सारे नाम्स आ चुके हैं। अभी OnePlus Nord पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर स्टेबल जी कैम फॉर OnePlus Nord, उस पर आपको क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे जी कैम वर्जन्स मिल जाएंगे और साथ ही में उनके डेवलपर्स के नाम भी। तो आपको जो भी इसमें आपको चाहिए, आपको इधर लिमिटेशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो भी जी कैम आप जो भी चाहे उसमें से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर पहला वाला नहीं चला तो दूसरा वाला तो डेफिनेटली आपके इसमें चल जाएगा। अभी मैं पहला वाला ही करके दिखाता हूँ। क्लिक किया और ओके, फाइल डाउनलोड हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड हो चुकी है और जी कैम इंस्टॉल हो चुका है। तो ये था हमारा पहला तरीका। अगर इससे भी आपके फ़ोन में जी कैम वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो आते हैं सेकंड तरीके पे। अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, जाकर चेकआउट कर लेना। जब भी आप इसमें आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसमें क्या है कि जी कैम के सारे वर्जन्स मेंशनड है और साथ ही में उसके एंड्रॉयड रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं गूगल कैम 7.3 प्लस के लिए एंड्रॉयड 9 और उसके ऊपर एंड्रॉयड 9 और 10 चाहिए। तो वैसे ही जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, गूगल कैमरा 4, 5 और उसके एंड्रॉयड रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो आपका फ़ोन जिस एंड्रॉयड पर रन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जी कैम इंस्टॉल कर लेना है। अगेन आपको जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जी कैम वर्जन साथ ही में उनके डेवलपर्स के नाम भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इसमें भी ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपका पहला वाला नहीं चला, दूसरा वाला नहीं चला, तो आपको एक ही वर्जन के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे डेवलपर्स जिसने एक ही वर्जन पर बहुत सारे जी कैम APKs डेवलप किए हुए हैं। तो इसमें से एक ना एक तो आपके फ़ोन के लिए डेफिनेटली चल जाएगा। अगर इन दोनों तरीकों से भी आपके फ़ोन में जी कैम इंस्टॉल नहीं हुआ, मतलब इंस्टॉल तो हो गया लेकिन कुछ कुछ फीचर्स नहीं चल रहे, इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो लास्ट फाइनली एक ही तरीका है जिससे कि आप जी कैम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये गूगल कैमरा गो का APK है। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको 2 ऑप्शंस दिखाएगा, डाउनलोड गूगल कैमरा गो APK जी कैम और दूसरा अपडेटेड न्यू जी कैम गो APK मॉड डाउनलोड। तो इसमें से आप जो भी इन दोनों में से आप जो चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपके फ़ोन में चल जाएगा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है तो इसमें आपको सिर्फ बेसिक फीचर्स जैसे कि पोर्ट्रेट,
फोटो और वीडियो कैप्चर करने का और ट्रांसलेट करने का सिर्फ ये चार ऑप्शंस मिल जाएंगे, बाकी के जैसे स्लोमो, नाइट साइट, ये सारे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये सारे चार एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में आराम से चल जाएंगे, चाहे वो जो भी फ़ोन हो, लेकिन बहुत ही पुराना नहीं होना चाहिए। एंड्रॉयड 8, 9, 10 चल जाएगा, डेफिनेटली चल जाएगा। ये भी ये सेम मेरे केस में हुआ था, मैंने मोटो वन फ्यूजन प्लस के लिए जी कैम बहुत सारे ढूंढे, बहुत सारे चले, लेकिन वीडियोस उसमें नहीं चल पा रहे थे। तो फाइनली मैंने जी कैम गो इंस्टॉल किया और इसमें अभी जी कैम में आराम से वीडियोस चल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। तो अगर आपके फर्स्ट टू तरीकों में से जी कैम नहीं वर्क कर पाता प्रॉपरली, तो इस तरीके से डेफिनेटली आपका जी कैम वर्क करेगा। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना।